नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के और जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको, जो कि RRB, JEE, NTPC और रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये डॉक्टर विधान चंद रॉय जी के जन्म मृत्यु दिन के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को अधिवेशन में आयोजित किया गया था। दोस्तों, बॉम्बे में आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड। ये दोस्तों अभी महाराष्ट्र में इसकी व्यवस्था हो रही है, महाराष्ट्र में सूखा पड़ रहा है, तो वहाँ पर इसके द्वारा बारिश कराई जा सकती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना शुरू की गई है किसके द्वारा? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार राष्ट्रीय डिजाइन संस्थाओं में से एक को स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो कहाँ पर? भोपाल में। मध्य प्रदेश के रिलो जनजाति गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं? तो भारिया जनजाति द्वारा गाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो सिंगरौली में है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो संबल योजना किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों, ये जो बिजली कनेक्शन रहते हैं उनके द्वारा, मतलब 100 रुपये में आपको बिजली कनेक्शन मिलता है गरीब लोगों के लिए 1 महीने के। और दोस्तों, जो है भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो गोला फेंक में जीता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एशियन खेल 2018 के समापन समारोह के दौरान कौन सा या सी भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक थी? तो दोस्तों, रानी रामपाल ध्वजवाहक थी एशियन गेम में। नेक्स्ट है, उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने अगस्त में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा ली है? तो झूलन गोस्वामी ने ली है। नेक्स्ट है, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताएं जो वर्तमान में DRDO के उप अध्यक्ष हैं? तो श्री सतीश रेड्डी जी, ठीक है। नेक्स्ट है, शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, उस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल का नाम बताइए जिन्हें 17 अगस्त 2018 को यूनाइटेड स्टेट सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट के से सम्मानित किया गया? दलवीर सिंह सुहाग जी। नेक्स्ट है, जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा? चौथा। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़यन शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली द्वारा। तो नेक्स्ट है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं? तो दोस्तों, किसको बोलते हैं? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया है? तो ओंकारेश्वर चुना गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 15 से 20 क्वेश्चन जीके के बताए हैं, जो कि रेलवे के लिए काफ़ी